सर आपका ट्वेंटी फाइव ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है एंड प्लस यू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड प्लस आपके आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये जो एफ सी बी है ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशल बिल्कुल ठीक कहा अ लॉन्ग जर्नी ऑफ जर्नीय और वी हैव कम अक्रॉस सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके अंदर पोटेंशियल था और वो लेकिन यूपीएससी में सक्सेसफुल नहीं हो पाए अब वो जो हमारा सारा एकोमुलेटेड एक्सपीरियंस है और जो प्रेजेंट पैटर्न है यूपीएससी का तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगनर्स स्टार्ट किया है अब इस देखिए नाम के अंदर ही बिगनर्स है तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भी बच्चा इस तैयारी को शुरू करना चाहता है वो शुरू करने से पहले अगर ये एफ कर ले तो उसकी तैयारी बहुत आसान हो सकती है तो अगर आप स्पेसिफिकली जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है कि किस किस को करना चाहिए तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बच्चे टेंथ के बाद तैयारी शुरू करना चाहते हैं कि प्लस वन प्लस टू में कुछ वो तैयारी यूपीएससी की करें उनके लिए तो ये वरदान है राइट उसके बाद जब बच्चा प्लस टू कर लेता है उसके बाद जैसे जैसे ही ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आता है तब ये एफसीबी कोर्स किया जा सकता है जो हम अपने आईजीसी में जो हमारा ग्रेजुएशन कम सिविल सर्विसेज कोर्स है उसके अंदर पहले बच्चे को हम ये ही करवाते हैं जब बच्चा इस एफ को क्लियर करता है तभी उसको फुल कोर्स में डाला जाता है इसके अलावा मिनाज एक और बात है कि अब अगर कोई बच्चा डेढ़ साल दो साल की तैयारी प्लान कर रहा है तब भी वो ये थ्री टू तो फोर मंथ्स का हमारा फाउंडेशन कोर्स कर सकता है और सबसे अच्छी बात ये कि उसने एन तो पढ़नी ही है तो एन के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ अगर वो हमारा फाउंडेशन कोर्स कर ले तो आप देखिए उसकी जो आगे जर्नी है तैयारी की वो बहुत आसान हो जाएगी और सक्सेस विल इंक्रीज मैनी Thank you.